हमारे जीवन में सत्संग क्यों? आज का मेरा विषय है, हमारे जीवन में सत्संग क्यों? हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, बाल बच्चों के समाज के बीच जीवन गुजर बसर हो रहा है, सब कुछ चकाचक है, फिर सत्संग क्यों? आप कपड़े भी पहनते हैं, भोजन भी बढ़िया करते हैं, आवास भी बढ़िया है, जीने का हुनर भी बढ़िया है, लेकिन बजा वाले से मैं कहना चाहूंगा, मेरी आवाज भी बढ़िया बना दीजिए। एक बार जय घोष कीजिए, श्री सदगुरु, सदगुरु कबीर साहेब की। सब कुछ बढ़िया है, फिर भी हमें सत्संग चाहिए। ऐसा हर आदमी के अंदर से भावना उत्पन्न लेती है कि जीवन में सत्संग के बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। सब कुछ चकाचक है, घर मकान भी बढ़िया है, जगह जमीन भी बहुत है, पैसे भी बैंक बैलेंस है, बच्चे भी सुंदर हैं, संस्कारी हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी सत्संग के बिना हमारी जिंदगी लगती है अधूरी। परम पूज्यपाद सदगुरु धर्म स्वरूप साहेब जी कहते थे कि जीवन में सत्संग इसलिए चाहिए कि जैसे कुछ आदमी एक संत के पास गए, उसने कहा कि हम जीवन में बड़े परेशान रहते हैं, तो गुरुदेव जी ने कहा क्यों परेशान क्यों रहते हो, क्या कुछ कमी है? कहा कुछ कमी नहीं है, लेकिन परेशानी है, कुछ चीज की कमी नहीं है, फिर भी परेशानी है। कहा क्या परेशानी है? कहा जब सोने जाते हैं ना रात में तो मच्छर काटता है। कहा तब इसके लिए हम क्या करें? कहा कुछ युक्ति बता दीजिए। कहा कि देखो इसके लिए तुम्हें एडमिशन कराना पड़ेगा और वहां जाके कुछ फीस भी उनके हैं, वादा करना पड़ेगा, तब ये शिक्षा मिलेगी, उससे निजात पाओगे। कहा ठीक है गुरुजी, मैं जाऊंगा। कहा चले आना, समय बता दिया, जगह भी बता दिया, समय पर वो आदमी उस जगह पर चले गए। इसी तरह हाल बना हुआ था, गेट पर कुछ कर्मचारीगण बैठे हुए थे, कुर्सी लगाकर, टेबल लगाकर, कुछ कॉपी रखी थी, तो वहां पर एडमिशन के लिए गए, फीस भी जमा की और एक लाइन से सब बैठे। बात शुरू हुई मच्छर से निजात कैसे, मतलब मच्छर से मुक्ति कैसे ले, नहीं काटे इसके लिए क्या उपाय है। तो वहां के शिक्षकों ने बताया कि देखिए आप लोग रात में जब सोने जाए ना तो सोने से पहले अपने बिस्तर पर मच्छरदानी लगा लीजिए। सुनने वाले ने कहा ये तो पहले जानते थे हम लोग,
कहा तब लगाते कितने दिन थे? कहा नहीं लगाते थे, कहा इसीलिए परेशान था। जानते तो थे लेकिन लगाए नहीं थे मच्छरदानी, इसलिए मच्छर काटता था। एक ज्ञान और, कहा कि शिक्षक महोदय जब भोजन करते हैं ना तो मच्छी परेशान करती है। कहा कि जब आप भोजन करने बैठते हो तो उस समय या हर समय आपके पास दो हाथ है कि एक हाथ है? कहा दो हाथ है। कहा खाते दो हाथ से हो कि एक हाथ से? कहा एक हाथ से। कहा एक हाथ से धरना रख दिए थे क्या? अरे एक हाथ से खाते हो तो एक हाथ से तो हाथ डोला दो, मच्छी भाग जाएगी। कहा ये तो पहले जानते थे। कहा करते कितने दिन? कहा नहीं करते, इसलिए मच्छी परेशान करती थी। हम जानते सब कुछ हैं लेकिन करते नहीं हैं, इसके लिए हम परेशान जीवन को जी रहे हैं। परेशानी जीवन में आ रही है बार बार, हर क्षण। हम सब कुछ जानते हुए भी नहीं करने के कारण हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं। हम सब कुछ से संपन्न हैं किंतु हम यह नहीं जान रहे हैं ये जो सब कुछ है यही मेरा आधार है कि और कुछ आधार है। जीवन के मूलभूत चीज यही है कि और कुछ है, इससे हम अनजान होने के कारण हम परेशान रहते हैं। इसीलिए सत्संग की जरूरत है। हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बैठे हैं, इसलिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। हम जानते हैं, सुनते रहते हैं। आजकल तो प्रत्येक हाथ में मोबाइल है, हर तरह की चीजें उसमें देखते रहते हैं। सत्संग भी है, कथा भी है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छे बूढ़े सब भरे पड़े हैं, छोटा संसार मोबाइल है। सब कुछ की जानकारी है किंतु अपने जीवन में सद्व्यवहार नहीं उतरने के कारण हम परेशान रहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव जी कहते थे कि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, घर घर में देखिए कलह है, परेशानी है। सास पुतहु में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, गोतनी गोतनी में प्रेम नहीं है। प्रेम के बिना सुना संसार है। प्रेम नहीं है इसलिए सत्संग चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना पैर कबीरु नाच, पानिप दिनो तास को जो तन मन बोले साच। प्रेम रूपी अंगरखा को पहनकर नाचो संसार में। वेद के ऋषि भी कहते हैं, संगच्छध्वम संगबद्धध्वम संगो मनांसी जानता। संग संग चलो, एक साथ बोलो, एक विचार रखो। देखो सत्संग आपके जीवन में उतर जाए। पूज्य गुरुदेव जी इसी गांव में आते थे और इस प्रेम पर बहुत सारी बातें कहते थे। मैं एक बार आया हूं इस इलाके में पूज्य गुरुदेव जी के साथ। उस समय यहां पर सदगुरु कबीर लोक कल्याण संस्थान ये स्थापित नहीं था। यहां आए कुछ गुरुदेव कुछ लोगों के पास ये बात रखे कि हम तो आते हैं लेकिन हमको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। आज हमें सुना रहे थे जब मैं गया था सदगुरु कबीर लोक कल्याण संस्थान प्रभात फेरी के क्रम में, कहते थे कि पूज्य गुरुदेव आते थे ना, कहते थे कि मेरा स्थान नहीं है, हम जहां तहां रुकते हैं, इसलिए मेरा रहने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए। यहाँ के लोगों ने जमीन खरीदी और वहां पर आश्रम स्थापित किया है। अभी रहते हैं, इनका नाम है गिरधारी साहब।
अभी उस आश्रम में रहते हैं। पूज्य गुरुदेव का जो ये दीप जलाया हुआ है, यह दीप अहर्निश जलते रहे, प्रकाश होता रहे, इसके लिए हम सबों को प्रयत्नशील रहना होगा। हम प्रयासशील रहें कि पूज्य गुरुदेव जी ने जो ज्ञान दिया है, जो रहने की कला दी है, जो जीवन जीने की कला दी है, जो जीवन में शांति उद्घाटित होने की हुनर दी है, वो हमारे जीवन में हर समय हर क्षण बरकरार रहे और वो प्रगतिशील हो, विकास होते रहे, तब हमारे जीवन में पता चलेगा कि सत्संग की आवश्यकता क्यों। सत्संग की आवश्यकता इसीलिए है कि हम सब कुछ से संपन्न होते हुए भी उसमें हम नहीं हैं। सब कुछ जानते हुए भी कितने आदमी देखिए माला पहनते हैं, महात्मा कहलाते हैं, किंतु 80 चुटकी 90 ताल तब जाने खैनी की हाल ये समाप्त नहीं हुआ है। हाथ से खड़ियान नहीं गई। जब कोई आते हैं बंदगी करने ना, तो मैं देख लेता हूं तो कहता हूं कि ये कब साफ होगा, बस मुंह मोड़ के चल देते हैं लज्जा के मारे। कहते हैं उजला कपड़ा पहन के पान सुपारी खाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उजला कपड़ा पहनते हैं, कंठी पहनते हैं, लेकिन पान सुपारी नहीं गया है, खैनी नहीं गई है, बीड़ी नहीं गई है, नशा नहीं गया है। हम क्या लोगों को कहेंगे। हमारे जीवन से छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं गई हैं, तो बड़ी गलती कैसे जाएगी। छोटी छोटी ऐसी आदतें हैं जो नहीं गई हैं, तो बड़ी बड़ी जो आदतें होंगी वो कैसे जाएगी। छोटी छोटी भूलें हैं जिस भूल के चलते हमारा जीवन दुखमय है, कष्टमय है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाए, कहें कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। भूल कब मिटेगी, जब पारखी गुरु मिलेंगे। पारखी गुरु किसे कहते हैं, जो निरख परख रखते हैं, जिनके पास निरख परख की शक्ति है, सत्यासत विवेकनी है। सत्य क्या है, सत्य क्या है, खाद क्या, खाद्य क्या है, श्रोतव्य क्या, श्रोतव्य क्या है, द्रष्टव्य क्या, अदृष्टव्य क्या है, इन सब का जिनके पास ज्ञान है वही पारखी है। जो कीचड़ में से भी हीरा को ढूंढ ले उसे पारखी कहा जाता है। जो दुख के दलदल में भी सुख का अनुभूति कर ले उसे पारखी कहा जाता है। जो कष्ट में भी रह करके मुस्कुराए, कह रहे थे श्याम साहब अभी, सुबह शाम मुस्कुराते रहे, कष्ट में भी रहिए तो मुस्कुराते रहिए, ये दशा जिनके पास आ गई है वो परम पारखी है। हर जगह आपके जीवन में सुखी सुख का एहसास हो, हर जगह अनुकूलता में प्रतिकूलता में, अच्छे लोगों के पास, बूढ़े लोगों के पास, सब जगह आपकी दृष्टि अच्छी हो। एक बार व्यासदेव जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को भेजे कि जाओ, दोनों को काम बांट दिए। धर्मराज युधिष्ठिर को कहे कोई ऐसे बूढ़े आदमी को ढूंढ कर ला, तो गौर कीजिएगा। और दुर्योधन को कहे कोई एक ऐसे गलत आदमी को ढूंढ कर ला, सज्जन आदमी। धर्मराज युधिष्ठिर से कहे कि कोई गलत आदमी को लाओ, और दुर्योधन को कहे कि सज्जन आदमी को ढूंढ कर लाओ, और दोनों निकल पड़े ढूंढने के लिए, धर्मराज युधिष्ठिर भी और दुर्योधन भी। गांव गांव में, घर घर में जा जा करके देखे,
जहां जहां दुर्योधन बैठे देखे तो किसी न किसी तरह की उसके अंदर में बुराई दिख पड़े, किसी न किसी तरह की बुराई दिख पड़े। दिन भर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन एक भी आदमी सज्जन नहीं मिला दुर्योधन को। धर्मराज युधिष्ठिर को ढूंढना था, बुरे आदमी, वो जहां जाए जिस भी किसी के पास बैठे तो वहां उसको कुछ ना कुछ अच्छाई दिख पड़े, कहीं ना कहीं अच्छाई दिख जाए। तो उनके मन में हो कि सबके पास अच्छाई ही अच्छाई है, हमको तो कहे हैं कि बूढ़े आदमी को ढूंढ कर लाना है। दुर्योधन के मन में हो कि हमको कहे हैं कि सज्जन आदमी को ढूंढ कर लाना है, कहीं ना कहीं देखते सब में बुराइयां हैं। तो दोनों व्यक्ति दिन भर ढूंढ ढूंढ करके थक मार करके आ गए और खाली हाथ आए। तो दोनों से पूछा गया कि आप खाली क्यों आए, तो दुर्योधन ने कहा कि मैं दिन भर थक गया ढूंढते ढूंढते, लेकिन कोई सज्जन व्यक्ति नहीं मिला। और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, आप कहा मैं भी दिन भर ढूंढता रहा, एक भी जगह ऐसे एक आदमी नहीं मिले जो सज्जन हो, जो दुर्जन हो, जो दुर्जन हो, एक भी आदमी नहीं मिला। किसको लाता, कोई गलत नहीं था, कहीं ना कहीं अच्छाई दिखती थी। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी नजरिया जैसी होगी ना, आपकी देखने की दृष्टि जैसी होगी, संसार में वैसे ही लोग दिखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस व्यक्ति की भावना जैसी होती है उसी नजर से लोगों को वो देखते हैं। हम अपने नजरिया को बदलेंगे तो नजारा बदल जाएगा, और किस्ती के यदि रुख बदले तो किनारा बदल जाता है। कहने वाले बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं कि किस्ती के रुख बदले तो किनारा बदल जाता है, और देखने की नजरिया बदले तो नजारा बदल जाता है। आपकी नजरिया केवल परिशुद्ध हो, पवित्र हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो हर जगह अच्छाई दिखेगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। हम संसार में बुराइयों को ढूंढने जाते हैं कि फलाने के पास ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, लेकिन जिस दिन हम अपने ही अंदर में बुराई ढूंढना शुरू कर देंगे कि मेरे में क्या गलती है, मेरे में क्या बुराई है, तो उस दिन पता चलेगा कि हमसे बुरा दुनिया में कोई है ही नहीं, हम ही सबसे बुरे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुटे सो बार, कूजन कुंभ कुमार का यक्के धक्का दरार। सज्जन के लिए उपमा दिया गया है सोना से, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुटे सो बार। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो कभी टूटते हैं फिर जुटते हैं, मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, संगठित होते हैं फिर बिखर जाते हैं। लेकिन कूजन कुंभ कुम्हार का, कूजन से उपमा दिया गया है, कूजन के लिए कुम्हार का उपमा दिया गया है कि जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है और उसको एक ही बार गिट्टी से मार दीजिए, पत्थर से मार दीजिए, या हाथ से थोड़ा जोर से मार दीजिए, फूट जाएगा, या कई धक्का दरार, एक ही धक्का से उसमें दरार आ जाता है। ठीक उसी तरह से जिनके अंदर में कुवृत्ति है, दुर्भावना है, कुविचार के व्यक्ति हैं, एक बार उसको यदि कोई कुछ कह दे तो देखिए वो कितना फफक उठता है, कितना वो तलमला जाए, एरी के गुस्सा नाक पर चढ़ जाए। क्यों? तो भीतर से वैसा है इसलिए गुस्सा उठता है। भीतर से जो जैसा होता है, एक और उदाहरण लीजिए कि बौका को यदि बौका कह दीजिए, गुंगा को गुंगा, वो आपको भी गुंगा ही कहेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा? गुंगा को गुंगा कहने से वो गुंगा उधर से भी कहेगा, कहेगा वो भी अमड़े ऐसा है।
इसलिए हम जैसे लोगों को कहेंगे ना, एक दिन वो भी हमें वैसा ही कहेगा। बाइबल में आया है कि हम यदि दीवार पर पत्थर मारेंगे तो पत्थर ही हमको मिलेगा, गेंद मारेंगे तो गेंद मिलेगा, फूल मारेंगे तो फूल मिलेगा। हम जो दीवार पर मारते हैं वही हमें मिलता है। ये संसार में हम जो देखना चाहते हैं वही हमें मिलता है। इस संसार से जो लेना चाहते हैं वही हमें मिल जाता है। तो निर्भर करता है हम संसार से क्या लेना चाहते हैं। सत्संग यही ज्ञान देता है कि संसार में हम जी रहे हैं तो शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो ये सब कहां मिलने वाले हैं। तो सत्संग के बिना कहीं मिलने वाला नहीं है। आप खेत में श्रम करेंगे फसल मिल जाएगी, अन्न मिलेगा। दफ्तर में काम करेंगे पैसे मिल जाएंगे। आप जहां भी दुनिया में जो काम करेंगे उस तरह के आमदनी मिलेगी आपके पास। लेकिन सत्संग में जब आएंगे ना तो आपको शांति के एहसास होगा और सत्संग से शांति का ज्ञान मिलेगा। तो हम बाल बच्चों को पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु शांति नहीं है। धन संपदा संपन्न हमारा जीवन है किंतु शांति और अमन चैन नहीं है। ये सत्संग ज्ञान देता है कि आपके पास सब कुछ है, पैसे भी हैं, मकान भी है, गाड़ी भी है, जमीन भी है, बाल बच्चे भी अच्छे तरीके से जी रहे हैं, किंतु शांति नहीं है। तो याद रखना, जितने भी श्रम किए हैं आप बाहर की तरफ, एक दिन वो छूटने वाला है। आप बाल बच्चों को संस्कार में ढाले हैं, अच्छे संस्कार में, तो आपका वो भी छूटेगा, और बुरे संस्कार में ढाले हैं तो एक दिन वो भी छूटेगा। दुनिया में जितने भी दृश्यमान जगत दिख रहे हैं वो सब छूटने वाले हैं। यदि सत्संग में आकर के आप शांति लाभ के लिए एकांत में बैठ करके अपने खुद की चिंतन जिस दिन शुरू कर देंगे करना, जिस दिन एकांत में बैठ करके मैं कौन हूं का अनुभव करना शुरू कर देंगे, ये आत्मबोध, ये आत्मज्ञान आपके जीवन में शांति दे सकता है। ये आत्मज्ञान आपके जीवन में अमन चैन ला सकता है, दुख में भी सुख का अनुभव करा सकता है, कष्ट में भी आनंद का अनुभव करा सकता है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। आदमी की भीड़ है किंतु हर आदमी अकेला है। जन्मे अकेले हैं और जाना भी अकेला है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चर चले, एक बंधे जात जंजीर। इसका ज्ञान सत्संग में ही हो सकता है। जो धरती पर आए हैं उसे एक दिन जाना है, और जाने के तरीके दो हैं। एक खुशहाल जीवन जी करके जाते हैं, एक कढ़ाते कढ़ाते जाते हैं, एक दुख से आंसू बहाते जाते हैं, एक हंसते हंसते जाते हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग और फकीर, सबको जाना है, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक माया मोह में ग्रसित हो करके, आसक्ति में इतना आसक्त जीवन जी करके जाते हैं तो जाते समय भी रोना होता है, कल्पना होता है, और थर थराते हुए कांपते हुए जाते हैं, और जाते हुए भी जीव से ये पुकार उठता है कि हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करियो पीव, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलानी। जाते हुए भी ये जीव पुकार करता है कि ये हल हल कांपते हुए जाता है कि पता नहीं अब जाएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। अभी सुन रहे थे श्याम साहब से, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। सदगुरु कबीर साहब तो यहां तक है, 84 लाख भर्म के पौ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। 84 लाख प्रकार के शरीरों को धरते छोड़ते पकड़ते छोड़ते आए इस मनुष्य के शरीर में। इस बार भी यदि अपने जीवन में अमन चैन का काम ना कर पाए, शांति का काम ना कर पाए, आत्मबोध का काम ना कर पाए, कहते हैं फिर 84 जाए। उपनिषद के ऋषि कहते हैं पुनः मुस्को भवा, जहां से आया था जिस दुख दल दल में दुखी जीवन जी करके तुम इस मनुष्य के शरीर में आया, फिर उसी में चले जाओ। क्यों? उससे बचने का कोई काम तो किया नहीं।
इसलिए उसमें चले जाओ। ऐसा होता क्यों है? सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं कि कबहु न भयो संग ओ साथा, ऐसे है जन्म गमावहु आछा, बहुड़ी न पयो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तो हो यह नरक महावासा, निस्दिन बसऊ लबारक पासा, जात सबन कह देखिया, कहे है कबीर पुकार, चेतवा हो तो चेतले, नहीं तो दिवस परत है धार। चेतना इसी जीवन में है, चेतना इसी मनुष्य के शरीर में है, दूसरा कोई ऐसा शरीर नहीं जिसमें संभलने का मौका मिल सके, जिसमें अपने जीवन को बदलने का मौका मिल सके, जिसमें आत्म बोध का मौका मिल सके, कोई ऐसा शरीर नहीं है। ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा अमूल्य शरीर है जिस शरीर को पाकर के हम सुख और शांति को उपलब्ध कर सकते हैं। हमारे जीवन में सत्संग इसलिए है, हम संसार में आकर के बार बार दुख भोगते हैं, जन्मते हैं रोते रोते, और रोते रोते जीते हैं, फिर रोते रोते चले जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, जन्मते हैं रोते रोते तो श्रम करते करते जियो, और जाओ दुनिया से तो हंसते हंसते जाओ, ज्यों कि त्यों धनी धर दिनी चदरिया। सदगुरु कबीर साहब ने जिस तरह से चादर लिया उसी तरह से लौटा करके चला। हम जैसे आए हैं वैसे जाना हमारा सफल होगा, ऐसा नहीं कि आए थे हम रोते रोते और रोते रोते जी लिए और रोते रोते संसार से चले गए। आए भले रोते रोते हैं, सब कोई जब जन्म लेते हैं ना, शरीर लेकर के बाहर आते हैं माँ के गर्भ से तो रोते हैं, कहाँ 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 का आवाज होती है, कहाँ आ गए कहाँ आ गए कहाँ आ गए। जब ज्ञान होता है कुछ करने का, कुछ होने का, कुछ बनने का, तब हम श्रम करते हैं, श्रम करते करते भी रोते हैं, वहां भी चिंता लगी रहती है, जन्मे भी रोते रोते, जिए भी रोते रोते, जब जाने लगते हैं तो इतनी माया मोह से ग्रसित हो जाता है जीवन, बेटा क्या खाएगा, मकान के छत ना ढल पाए, कैसे जीवन चलेगा। कितने लोग तो साथ साथ पुस्तक के लिए चिंता करते हैं, दो तीन पुस्तक के लिए तो हो गया है, और जो होगा वो क्या खाएगा, क्या खाएगा, कैसे जिएगा, ये चिंता लगी रहती है। लेकिन अपना ठिकाना नहीं, आप खाड़ी खात है बेचत बुढ़े कपूर, अपने तो दुख के दलदल में पड़े हुए हैं और दूसरे की चिंता सता रही है। इसलिए ये सत्संग ज्ञान देता है, आप जिस जीवन को पाए हैं वह जीवन ही एक आधार है शांति का, वह जीवन ही एक आधार है अमन चैन का, यह जीवन ही एक आधार है मूलभूत आत्मबोध का। आत्मबोध इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, इस जीवन के बाद दूसरा जीवन हमारे जीवन में कभी आत्मबोध नहीं दिला सकता। दूसरा कोई शरीर ऐसा नहीं कि जिस शरीर में जाएं और हमें आत्मज्ञान हो जाए, सुख शांति मिल जाए, अमन चैन मिल जाए। मेरा समय समाप्त होने को है, पूज्य श्री साहेब जी मंच पर विराजमान होने ही वाले होंगे। तो मैं कह रहा था जीवन में सत्संग क्यों, सत्संग इसीलिए है हमारा जीवन। बोली प्रेम से सतगुरु कबीर साहेब की। देखिए समय बढ़ा दिया, बोली सतगुरु कबीर साहेब की। मैं कह रहा था एक मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है, और एक पद को दोहराया था, कबहुं भयउं संग ओ साथा, ऐसे जन्म गमावहुं आछा, बहुरिन पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तर हो या नरक महावासा, निस्दिन बसऊ लबारक पासा, जात सबन कहा देखिया, कहा ही कबीर पुकार, चेतवा हो तो चेतले, नहीं तो दिवस परत है धार। कभी ऐसे संत महापुरुषों के संग साथ हम नहीं किए, विवेक की संतों के कभी संगति नहीं मिली, जिसके कारण कबहु न भयो संगो साथा, ऐसे ही जन्म गमावो आछा, हमारा ये सुनहला अवसर, हमारा ये सुनहला जीवन।
बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। आप लोग शांति बनाए रखें, भोजन का बेला नहीं हुआ है, कुछ देर में हो जाएगा, लेकिन अभी पूज्य श्री साहेब जी का आगमन होना है मंच पर, मुख्य कार्यक्रम बाकी है, इसलिए आप उसमें आप आनंद लेंगे, अध्यात्म के मूल ज्ञान को आप जानेंगे और संगीत से तो परिपूर्ण जीवन उनका है जो पधारेंगे मंच पर। और हमारे कबीर पंथ के भजन सम्राट हैं, ऐसे महापुरुष के दर्शन एवं उनके कल्याणकारी भजन प्रवचन से हम कृतार्थ। हेलो, हेलो, मैं कह रहा था इस सुनहला जीवन इन बात खत्म हुई थी, इस सुनहला जीवन यूं ही जा रहा है विवेकी संत महापुरुषों के संसाथ के बिना, सुंदर अवसर यूं ही बीत रहा है, बीत गए दिन भजन बिना रे, लाहे कारण जन्म गमायो, ये जीवन भजन के बिना, सत्संग के बिना, आत्मज्ञान के बिना बीत रहा है, प्रतिपल बीत रहा, हर क्षण बीत रहा है, हर घड़ी बीत रही जिंदगी यूं ही, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो कहो गुरु नाम। समय बीत जाने के बाद फिर लौट करके आता नहीं है, ये विवेकी संत महापुरुषों का संसाथ के बिना ये सुनहला अवसर यूं ही जा रहा है, ऐसे ही जन्म गमावो आछा, बहुड़िन पहियो ऐसो थाना। साहब कहते हैं कि ये मत सोचना कि फिर जन्म मिलेगा ना, तो फिर भक्ति कर लेंगे, साधना कर लेंगे, आत्मबोध प्राप्त कर लेंगे, अपने जीवन का सुधार कर लेंगे। परम पूज्यपाद सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी की गाड़ी के पीछे में लिखा रहता था, क्या आप लोगों को याद होगा, सुधरो और सुधारो, सुधरो और सुधारो, ये वर्ड रहता था, हम सुधरें तो सुधारें। यहां सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये सुनहला अवसर पा करके हम संत महापुरुषों के संसाथ नहीं करने के कारण हमारा जीवन कैसा होता है, कबहू न भयो संगो साथा, ऐसे ही जन्म गमावो आछा, बहुड़िन पहियो ऐसो थाना, ये दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं है। क्यों? तो साधु संगति तुम नहीं पहचाना, साधुओं की संगति की तुमने पहचान नहीं की, अब तो रहो यह नरक महावासा, अब होगा क्या, तो नरक में तुम्हारा निवास होगा, अब तो रहो यह नरक महावासा, क्यों, तो निस दिन बसऊ लबार के पासा, निस दिन दीन रात, रोज रोज के रोज लबारों के संग साथ हम कर रहे हैं, गपबाजों के संग साथ हम कर रहे हैं, जुआरियों के, शराबियों के, ना जाने कितने कितने कुव्यचारियों के संग साथ हम कर रहे हैं। कहते हैं निस दिन बसे हूं लबार के पासा, इतना ही नहीं सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जात सबन को देखिया, एक दो की बात नहीं है, देश विदेश हो फिरा, गली गली की खोड़ी, ऐसा कोई ना मिला जो लेवे फटक बिछोड़ी, मैं देश विदेश जा जा करके, गली गली घर घर में जा जा करके देखा, क्या देखा, तो ऐसा कोई ना मिला जो लेवे फटक बिछोड़ी, जो ज्ञान को अपने अंदर में ले ले, ऐसा कोई नहीं मिला, सब सुनने के थोड़े से जिज्ञासु मिले और सुने सत्संग को, जैसे सत्संग हाल से बाहर हुए, पंडाल से बाहर हुए, तो गमछा झाड़ बिहारी पार, जैसे यहां से गए बस यहां का ज्ञान यही रह गया, साथ गया ही नहीं ज्ञान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जात सबन को देखिया, कहें ही कबीर पुकार, चौराहे पर चिल्ला करके सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि
मैं पुकार पुकार कर कहता हूं, चिल्ला चला करके कहता हूं, जात सबन को देखिया कहे कबीर पुकार, चेतवा होए तो चेत ले। चेतना है, संभालना है, जगना है, जग जाओ, आत्मबोध को प्राप्त करो, शांति के रास्ता को अपना लो, नहीं तो दिवस परत है धार, नहीं तो दिन में ही डाका पड़ने वाला है। अर्थात जीवन रहते सुख की चोरी होने वाली है, शांति की चोरी होने वाली है, आत्मज्ञान की चोरी हो रही है, दिन दहाड़े डाका पड़ रहा है जीवन में। इसलिए उस डाकू से बचना चाहते हैं, हर इंसान के अंदर में वो डाकू है, उस डाकू से बचेंगे तभी शांति मिलेगी। सदगुरु कबीर साहब यहां तक कहते हैं, वो डाकू का नाम क्या, वो चोर का नाम क्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, और ये सब को उत्पन्न करने वाले का क्या नाम है, वो जो लड़ाइयां मचा रहे हैं उसका नाम है संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे, पांच ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचो अधिक सवादी, कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी, दुर्मत केर दुहागिन मेटे, भोटे चाप चपेरे, कहे कबीर सोई जन मेरा, जो घर के रारी निबेरे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हर इंसान के, हर कल्याण इच्छुकों के अंदर में ये लड़ाइयां मच रही हैं, ये घर में इतनी बड़ी लड़ाइयां मच रही हैं कि रोज रोज परेशान है उस लड़ाई से। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली, रात दिन उठ उठ लागे, वो कौन है तो पांच ढोटा, वो ढोटा क्या है तो पांच ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा, चाम, ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। पांचों के पांच काम है, आंख का काम है रूप का ज्ञान कराना, कान का काम है शब्द का ज्ञान कराना, नाक का काम है गंध का ज्ञान कराना, गंध दुर्गंध सुगंध, ये चाम का काम है लरम गरम कठोर का ज्ञान कराना, जीवा का काम है खट्टा मीठा चरफड़ा का ज्ञान कराना। ये पांचों ज्ञान इंद्रियां पांच विषय में लिप्त है। आई पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भोजन होता है, और उससे क्या होता है तो एक इच्छा रूपी नारी जन्म लेती है, पांच ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, ये सब अलग अलग भोजन चाहने वाले हैं, कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, स्वाभाविक बात नहीं मानेंगे कि सबका अलग अलग काम है। न्यारो न्यारो भोजन चाहे पहुंचो अधिक स्वादी, कोई काहू का हटान माने, आप ही आप मुरादी, यदि ये दशा आ गई तो कहते यही दुर्बुद्धि है। ये अपने आप में जो मुरादे होकर के चलने वाले लोग हैं कहते हैं यही दुर्बुद्धि है। दुर्मति केर दुहागिन मेटे, ढोट है चाप चपेरे, ये गला घोट घोट करके मारने वाले, गला दबा दबा करके मारने वाले हैं। इतनी बड़ी लड़ाई हर आदमी के, हर इंसान के अंदर में हो रही है। इससे निजात पाना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, ये सत्संग ही एक सहारा है, सदग्रंथ ही एक सहारा है, संत महापुरुषों के साहचर्य ही एक सहारा है, हमारे जीवन में शांति आवे, अमन चैन आवे, और सुख के साम्राज्य हमारा जीवन हो। ये हम बाहर ढूंढते हैं कि वहां शांति मिलेगी, वहां कल्याण मिलेगा, बाहर ढूंढते ढूंढते आदमी का जीवन बीत रहा है, खत्म हो रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, दौड़ घटा मन फिर भया, वस्तु ठोर की ठोर। जिस दिन बाहर दौड़ना बंद हो जाएगा, उस दिन आप जो बाहर खोजते थे ना, वो आपके ही पास मिल जाएगा। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय।
बोली सदगुरु देव की। मैं कह रहा था जिस दिन बाहर दौड़ना बंद हो जाएगा, जिस दिन बाहर की खोजें समाप्त हो जाएगी, जिस दिन बाहर की सोचें बंद हो जाएगी, उस दिन हमारे अंदर में शांति का अनुभव होगा। ये बाहर ढूंढने से हमें शांति मिलने वाली नहीं है, सुख मिलने वाला नहीं है। बाहर कहीं भी अमन चैन मिलने वाला नहीं है। यदि कहीं मिलने वाला है तो वो स्थान है अपने ही घट में, अपने ही घट, अपने ही अंदर में, आपके ही अंदर में। हम आपके अंदर में वो शांति विराजती है, वो सुख विराजता है, वो आनंद विराजता है जिससे हम अनजान हैं। ये सत्संग हमें यही बोध देता है, हमें यही ज्ञान देता है कि जिस दिन हमारी दौड़ें समाप्त हो जाएगी, जिस दिन बाहर भटकना बंद हो जाएगा, उस दिन हम जिसको बाहर खोजते हैं वो हम खुद अपने ही अंदर पाएंगे। और ये काम मुस्तैदी के साथ करने के बाद ही उसका अनुभव हो सकता है। और बरसों करना पड़ता है, एक दो दिन की बात नहीं। स्वरूप लीन पूज्यपाद गुरुदेव श्री अभिलाष साहब कहते थे कि मन यदि खाली रहे ना तो शैतानियत करता है। खाली मन शैतान का घर, खाली मन शैतान का घर होता है। इस मन को खाली रखेंगे तो शैतानियत करेगा, इसको कुछ कुछ ना कुछ काम देते रहेंगे। क्या काम देंगे? कहते अंदर में धसने के लिए तो अभ्यंतर की गति को कैसे हम जानेंगे? तो अंदर धसेंगे तभी तो अंदर में जाने के लिए भी बड़ी परेशानी है। आंख बंद करेंगे, बैठेंगे, जाप करेंगे, मन भागेगा बाजार में, खड़ियान में, खेत में, दुकान में, बाल बच्चों के पास ना जाने कहां कहां मन भागेगा। मन तो भागना जानता है, लेकिन आपको क्या बनाए गुरु ने? गुरु ने आपको चरवाहा बनाया है, मन को चराने वाला बना। जैसे बाहर में बकरी चराने वाला होता है, गाय चराने वाला होता है, उसी तरह अंदर में एक मन है, उस मन को चराने वाले आपको बनाया है। कैसे बनाया है? तो आप जैसे जप करने बैठे, ध्यान करने बैठेंगे तो मन भागेगा। अब उसको कैसे लाएंगे एक जगह? तो जिस तरह बकरी को चराने वाला बकर चारा जाता है, गाय को चराने वाला चरवाहा जाता है, तो वो फील्ड के आले दिवाले जो फसल लगी रहती है, उस फसल के हरियाली को देख करके गाय भागती है, बकरी भागती है फसल में। और चरवाहा का क्या काम है? वो फसल से हटा हटा करके जहां घास हरी हरी है फील्ड में उसको ला करके दे देना, ये चरवाहा का काम है। उसी तरह आपको जो एक चरवाहा का रूप दिया गया है, ये बकरी के रूप मन लिया है, ये मन बकरी है, बार बार भागे, मन बार बार भागता है विषय में, प्रपंच में, ना जाने कहां कहां, जहां जहां ये रस लिया है तहां तहां भागता है। अब वह नहीं भागे तो बार बार लौटाना है, तो उसके लिए सूत्र दिया गुरु ने, उस सूत्र को दोहराओ, उसकी आवृत्ति करो। जब भी बैठो एकांत में, शांत में, तो इसकी आवृत्ति करो, और इसके दोहराने से मन आपके काबू में होगा, मन का समन होगा। मन जिस दिन अमन हो जाएगा, उस दिन आपके ही अंदर में शांति के एहसास होगा। जब तक मन अमर नहीं हुआ है, आपके काबू में नहीं हुआ है, बाहर दौड़ता है, तब तक आपके जीवन दुखमय है, कभी शांतिमय जीवन नहीं हो सकता है। तो शांतिमय जीवन के लिए हम अपने जीवन में ही उस कला को जाने, उस रहने को, जीने की तरीके को जाने, उसके लिए संत महापुरुषों का आगमन हुआ है आपके यहां, संगसात हुआ है, इनके साहचर्य दो दिनों तक मिलने वाला है। इनके सानिध्य में रहकर हम इनके उपदेश को अपने जीवन में उतार कर और अपने जीवन में घटित करते हुए उस शांति को उपलब्ध कर सकते हैं,
घर रहते अपने जीवन में अमन चैन को पा सकते हैं। जहां रहेंगे दुख में सुख में सब जगह आप मुस्कुराते रहेंगे और ये मुस्कुराहट आपके जीवन में बरकरार रहे, उसके लिए परम पूज्य मंच पर विराजमान पूज्य संत श्री गौरव साहब जी विराजित हैं और आपके आनंद को इस तरह से निखारेंगे, आपको झुमाएंगे संगीत के माध्यम से, वचन के माध्यम से, अपने अनुभव ज्ञान के माध्यम से, उस अपने रहने के जो अनुभूति है उस अनुभूति को आपके सामने उलेरेंगे और उस अनुभूति को पा करके आप आनंदित होंगे और अपने जीवन को शांति में बनाएंगे। यह सत्संग हमारे जीवन में शांति देता है, सुख देता है, अमन चैन देता है, आत्मबोध देता है। इसलिए हम जीवन में सत्संग को आवश्यक समझें और अपने जीवन को कल्याण में बनावें। ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए थोड़ी सी बात आप लोगों के सामने मैंने रखा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। सभी घर में रमैया राम को करता हूं साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, सत्संग महात्मा की।